आप दोनों को मकर संक्रांति मुबारक। इस घर में तुम्हारे पहली मकर संक्रांति है। हाँ, काइट फेस्टिवल है, पतंगे उड़ाएंगे हम लोग। जो कदम चोरी चोरी से उठाए जाए वो सही रास्ते नहीं पड़ते। क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम हमारी रेवा को? हम सबके सामने अपने पापा को शादी के लिए मना करने का नाटक किया और आज हमारी बच्ची को अपने भाई से शादी करवाने के लिए राजी कर रही हो? ये सब हम अपने पास नहीं रख सकते। ये सब हम अपने पास नहीं रख सकते। देखिए पापा, अगर हम उस परिवार को अपना बनाना चाहते हैं, अगर हम अपनी शादी को एक मौका देना चाहते हैं, तो हमें पूरी कोशिश करनी होगी। ये सब करने के लिए आपको अर्जुन ने कहा है क्या? नहीं नहीं पापा, ये हमारा खुद का फैसला है। हम बस आपसे ये कहने आए थे कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया, कभी कोई कमी नहीं रहने दी, हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा हमें, वो सब हमारे लिए बहुत अनमोल है और वो तो हम किसी भी चीज से तोल भी नहीं सकते। ये सब करना हमारे लिए जरूरी है पापा, प्लीज आपकी बेटी को गलत मत समझिएगा। आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमें तो बस इतनी चिंता है कि आपके पति की कमाई से आपकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी या नहीं। हम हमारी जरूरतें कम कर लेंगे ना पापा, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी जरूरतें उन्हें उनकी आंखों में छोटा करते। हेलो जी, हाँ कहिए। साहब जी प्रणाम। वो लड़की अभी के अभी एक होटल के अंदर गई है, गोविंद नगर चावला मार्केट में, और हम आपको अभी के अभी उसका नाम और एड्रेस भेज रहे हैं होटल का। आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी निगाह रखे हैं उस पर। हाँ हाँ, तो ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट के विकास की सारी खबरें हमें देते रहिएगा। हाँ जी, हाँ चलिए ठीक है, रखते हैं। किसका फोन था पापा? आप अचानक बहुत खुश लग रहे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसकी मंजूरी की कार्रवाई बस अभी थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी, इसी बात की खुशी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अब तो इस प्रोजेक्ट को पूरा होना ही होगा, क्योंकि बहुत जल्द रीवा नाम की एक आम लड़की हमारे घर में आने वाली है हमेशा के लिए।
हमारी बिटिया को वापस लाने के लिए एक रास्ता और खुल जाएगा। ए बिटिया, अब जब आप हमें सब कुछ वापस लौटा ही चुकी हैं, तो फिर हम भी आपको वापस लाकर ही दम लेंगे। से खाना बना कर लाई हो? क्या करे, तुमने आज सुबह मदद ही कहाँ की हमारी। पानी की बताशे? हाँ, तुम लंच में पानी के बताशे खाना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं। हमारी कुछ प्यारी प्यारी यारे जुड़ी उनके साथ। चलो चलो। अर्जुन, जब तुम ये पानी पी सकते हो तो हम क्यों नहीं। क्या बात है, आज तो तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ा बोझ उतारा है, बहुत हल्का महसूस कर। कौन सा बोझ भैया जी? कितने हुए? 40 रुपया। क्या 40? जी। हम जानते हैं तुमने अपने पापा के पैसे और कार्ड्स लौटाकर हमारी दुनिया में रहने का फैसला किया है। हम देते। हाँ, आज तो तुम ही देने पड़ेंगे, हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही है। अरे वो आखिरी पानी का बताशा तो दिया नहीं, वो मीठी चटनी वाला, जल्दी दो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो?
रेवा तुम यहाँ? हाँ समीर, हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। रेवा जल्दी बात करो क्योंकि मुझे मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने का टाइम हो गया, यूनिफॉर्म चेंज करनी है। प्लीज समीर, यहाँ पर नहीं कहीं अकेले में। चलो। हेलो साहब जी, हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा। चलिए हमें खबर देते रहिएगा। हाँ पापा, होमगार्ड का फोन आया था। जी हाँ सूर्य प्रकाश जी, जी हाँ, रेवा खुद ही अगले पड़ाव तक पहुंच चुकी है। रेवा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों, और तुम्हारे मैसेजेस भी। समीर, दो दिन पहले साहिब जी उनके बेटे का रिश्ता हमारे लिए लेकर आए थे, वो भी शगुन के साथ। पर हमें डर इस बात का है कि कहीं उन्हें हमारे बारे में शक ना हो। भाभी ने कैसे भी करके उन्हें वापस तो भेज दिया, पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते की बात रुकेगी नहीं। समीर, हमें लगता है कि हम दोनों को ना हमारे बारे में हमारे भैया को बता देना चाहिए। रेवा कैसी बात कर रही हो, और ये सब इतनी जल्दी कैसे हो? और तुम्हारे भैया मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या काम करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, कि मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर हूँ? रेवा तुमसे शादी करने के लिए हमारे पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। पर सभी तक बहुत देर हो जाएगी, भाभी हमें सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया है, पापा मौन नहीं छुपा सकते। रेवा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें तो ये डर है कि कहीं हम हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। खोलो देखे कौन है अंदर। ए लीला मजनू, क्या चल रहा है यहाँ? देखिए कुछ कुछ गलत फहमी हुई है, हम लोग यहाँ सिर्फ बातें कर रहे थे। क्या कर रहा है लड़की, होटल के बंद कमरे में क्या कर रही है? तुम यहाँ कांड करोगे और पुलिस का तमाचा देखेगी। चलो दोनों का नंबर दो। तो लीजिए सूर्य प्रकाश जी, आखिरी पड़ाव तो आ गया, अब आप मोर्चा संभालिए। हम कह रहे हैं हम यहाँ सिर्फ बात। पार्ट टाइम नौकरी, और बाकी के टाइम क्या अलग अलग लड़कियां लेकर आता है यहाँ, सिर्फ अय्याशी या दलाली भी? कि कैसी बात कर रहे हैं आप? संभाल दे, तेरे माँ बाप को पता तो चले क्या कर रही है तू। नंबर बोल, बोल। रेवा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ रेवा, रो क्यों? हेलो रेवा, कौन बोल रहा है? हम अर्जुन शर्मा, रेवा के बड़े भाई। आप कौन बोल रहे हैं? हम गोविंद नगर पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपकी बहन को अरेस्ट किया है, जल्दी जाइए। हेलो, क्या हुआ अर्जुन? काट दिया रिक्शा। अर्जुन हुआ क्या? पापा हम पता करें क्या हो रहा है पुलिस स्टेशन में। संयम सूर्य प्रकाश जी, संयम, गहरी सांस लीजिए, चित्त को स्थिर कीजिए। हम बाजी पलट चुके हैं, अब तो जीत हमारी होगी। ये सब क्या हो रहा है? गुड़िया,
तुम यहाँ? हमारी गुड़िया यहाँ क्या कर रही है? ए, चिल्ला मत। होटल के एक कमरे में एक लड़के के साथ पाई गई है लड़की। मैम क्या बकवास कर रही हैं आप? ए, ये बकवास नहीं है, पूछ उस लड़के से। क्या कहा तुम? हाँ भैया, हम समीर से मिलना चाहते थे अकेले में, लेकिन सिर्फ ये तय करने के लिए कि हम दोनों मिलकर आपको ये कैसे बताएं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सही वक्त नहीं है ये सारी बातें करने का। हमें जल्द से जल्द पहले रेवा को यहाँ से छुड़ाना होगा। चांदनी, चांदनी कनौजिया, ये नाम तो हमने ही रखा था अपनी बिटिया का। चांदनी बिटिया जो हमारे एक इशारे पर कुछ भी करने को राजी हो जाया करती थी, जिसे हम अपनी उंगलियों पर नचाया करते थे, जो हमारा कहा भगवान का कहा मानती थी, वो चांदनी बिटिया 2 महीने पहले मिले किसी अर्जुन शर्मा के लिए हमारा दिया सब कुछ लौटा गई। यह आपने अच्छा नहीं किया चांदनी बिटिया, यह आपने अच्छा नहीं किया। कपल्स पकड़े गए हैं, जमानत तो अभी हो ही नहीं सकती, अब तो कोर्ट में पेशी होगी। शहर के बीचों बीच एक सभ्य संबंध इलाके में ऐसे कांड हो रहे हैं और फिर आप लोग ही चिल्लाते हैं पुलिस कुछ नहीं करती। अब हमें ही कुछ करना होगा। देखो अर्जुन, हम जो भी करने जा रहे हैं वो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े भाई हैं आप तो चांदनी के, चाहिए सहायता कीजिए अपनी छोटी बहन की। आपका मतलब है अर्जुन की छोटी बहन की? कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, आपने बहुत हेल्प की हमारी। Thank you so much, Inspector. I will see you soon. हमारी बात हुई इंस्पेक्टर चौहान से, रेवा जी का नाम कहीं नहीं आएगा। आप लोगों को भी किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच भैया। वैसे तो मीडिया वाले टूट पड़े थे इस केस के ऊपर, मगर हमने प्रयास किया है कि रेवा जी का नाम कहीं भी किसी भी अखबार में ना आए। आप लोग भी यही कोशिश करें कि किसी से भी इस विषय में बात ना हो। दरअसल कुछ बुरे तत्वों की वजह से बेकसूर लोग कभी कभी फंस जाते हैं। थैंक यू। कैसी बात कर रहे हैं चीजा जी,
मैं मानता हूँ कि आपके और हमारे रिश्ते की शुरुआत एक गलत नोट पे हुई थी। अब हम एक परिवार हैं, आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम्स सब चांदी की प्रॉब्लम्स हैं और हमारी भी।